हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस दोनों के बारे में बताया। प्रेजेंट सिंपल वाले भी एंड कंटिन्यूस वाले भी, पास्ट भी सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स हिंदी में होता है भविष्य काल। भविष्य मीन्स जो आने वाला होता है। एन एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। वी फॉर्म फ्यूचर टेंस बाय एडिंग शैल और विल विद अ वर्ब। हम फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ में। और इसकी मेन होता है कि अगर वाक्य लास्ट में वर्ड के गा गी गे आता है तो समझ लीजिए फ्यूचर टेंस है। जैसे कि मैंने बोला हम खाना खाएंगे, मैं जाऊंगा, आऊंगा, सोएगी, पिएगी, यानी लास्ट में गा गी गे का यूज़ हो रहा है। और उसमें प्रॉपर बताया जा रहा है कि ये कल काम होगा या होने वाला है। जो अगर समय अभी आया नहीं है, आएगा, तो उसका मतलब है वो क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है। तो इसमें हमें फ्यूचर टेंस में ध्यान रखना है कि इसमें शैल और विल का यूज़ आएगा वर्ब के साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्नव विल जॉइन द एयरफोर्स व्हेन ही ग्रोज अप। तो जॉइन वर्ब है हमारी और अर्नव क्या है, हमारा नाउन है। तो हमने नाउन के बाद में जस्ट क्या यूज़ किया, विल, क्योंकि वो ज्वाइन करेगा। पूर्वी विल हेल्प यू विद द साइंस डायग्राम। पूर्वी आपकी साइंस डायग्राम में मदद करेगी, तो विल हेल्प। I will clean the bookshelf. मैं bookshelf जो है उसको clean करूँगा। तो I आगे आपका, I के बाद में हमारा जो I है pronoun है, उसके बाद हमारा क्या आया, will। तो pronoun के बाद में will आया and clean the bookshelf verb आया, ठीक है। तो I will clean the bookshelf। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्यूचर टेंस जब भी आएगा उसमें विल और शैल का यूज़ होगा। विल और शैल को देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें फ्यूचर टेंस है। आई विल पैक माई स्कूल बैग। सोनिया विल प्ले द पियानो फॉर द कॉन्सर्ट। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।